हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम नए तरीके का सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीखेंगे। नए तरीके का सीरीज टेस्टिंग बोर्ड इसलिए है क्योंकि इसमें हमने बेल पुश बटन का यूज किया है। तो चलिए इसकी वायरिंग करना सीख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा मैं मेरी ईबुक के बारे में बता देती हूँ। अगर आप एक ITI स्टूडेंट है, BTech स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए एक बेस्ट बुक है। इस ईबुक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का सारा डाटा देखने को मिलेगा। सारे के सारे सर्किट डायग्राम आपको HD क्वालिटी में देखने को मिलेंगे और सारे सर्किट डायग्राम आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के देखने को मिलेंगे। ये बुक आपको PDF फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। तो आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका मैंने बहुत ही कम रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे होल्डर्स के टर्मिनल, ये वन वे स्विच के, ये बेल पुश बटन के टर्मिनल और ये है हमारे सॉकेट के टर्मिनल। सॉकेट में ये फेज का टर्मिनल है, ये न्यूट्रल का और ये अर्थिंग का। तो चलिए अब हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। तो गाइस, वायरिंग करने के लिए हम एक वायर लेंगे और इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में कॉमन बना लेंगे। तो गाइस, यहां पर हमने वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें एक और वायर ले लेना है और इसे हम कनेक्ट करेंगे बेल पुश बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के L वाले टर्मिनल पर। यहां से यहां के टर्मिनल पर भी हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल से इस वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर हमें ये वायर कनेक्ट कर देना है। तो गाइस, इतनी वायरिंग हमारी हो गई है। अब हमें वन वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल पर एक वायर कनेक्ट कर देना है। अब हमें फेज और न्यूट्रल वायर कनेक्ट करने हैं जो इनकमिंग सप्लाई के लिए आएंगे। तो फेज वायर को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वन वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर और न्यूट्रल वायर को हम होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। गाइस, वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अच्छे से ड्रेस करेंगे और फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे। टेस्टिंग के लिए मैंने इसमें 100 वाट का बल्ब लगा लिया है। टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर आयरन ले ली है और आयरन को हम इस 5-पिन सॉकेट में लगा के देखेंगे। अब हम बेल पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बल्ब डिम जल रहा है। इसका मतलब हमारी प्रेस एकदम ओके है। अगर सीरीज बोर्ड में हम टेस्टिंग के लिए कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं और हमारा बल्ब या तो फुल जलता है या बिल्कुल नहीं जलता है तो इसका मतलब हमारा इक्विपमेंट ख़राब है। अगर डिम जलता है तो हमारा इक्विपमेंट एकदम ओके है। ये वाला स्विच हमने बल्ब को लाइट के लिए यूज़ करने के लिए लगाया है। तो आप कहीं पर आपको लाइट चाहिए तो आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप सीरीज टेस्ट बोर्ड के कनेक्शन करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।